भाविक, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे अरे डीकू, ये तेरी दोनों दोनों सासू सासू माँ ने बुलाया ना फोन करके, घर पे इतना बड़ा जलसा जो है। हाँ माँ, आपने इतने सारे लोगों को काहे बुलाया? कम ऑन ड्यू बेटे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शादी के इतने महीनों बाद भी तुमने अपने दिल की बात ईरा मम्मी को नहीं बताई, और आज जब बताने जा रहे हो, इट्स बिग ओकेशन। मैं चाहती हूँ हमारी इस खुशी में सब लोग शामिल। यही असलियत है आपकी बेटी की। अपनी बेटी की असलियत देखकर आप चौंक क्यों गए? आप सब भी गौर से देखिए, यही है वो हानिकारक डॉक्टर, डॉक्टर ईरा देसाई, जिसने हमारे ग्लू बेटे की नसबंदी कर दी। अरे आप तो गुस्सा हो गए, इसने गुस्सा होने वाली क्या बात है? यही तो है हम दोनों का तोहफा, स्पेशली आपके लिए मिस्टर वल्लभ देसाई। अरे ईरा, ये अरे ये किन लोगों के सामने रो रही है? किन लोगों के सामने गिड़गिड़ा कर आंसू निकाल रही है? इन लोगों के सामने, जिन लोगों ने सबके सामने तेरे सपनों को नीलाम कर दिया है। बेटा ये इन लोगों की वजह से पहली बार एग्जाम में तेरे नंबर कम आए, लेकिन मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। मैंने आज तक कभी तुझे किचन में घुसने तक नहीं दिया, लेकिन ये इन लोगों के लिए तू हमेशा हमेशा रसोई में घुसी पड़ी रहती थी। जो कहानी जिस दिशा में जा रही है वो ये बताती है कि अभी खुलासा हो जाएगा कि जो ईरावती है वो ईरावती नहीं, ईरा है, डॉक्टर ईरा है। तो लोगों को पता चल जाएगा कि अब पुष्पा जो मेरी अम्मा है उनको पता चल जाएगा कि इन्होंने ही मेरी नसबंदी की थी। तो ये सारा जो ड्रामा होगा वो उससे कनेक्टेड होगा, जो आने वाले जो भी आप ट्रैक्स देखोगे उससे कनेक्टेड होगा।